नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। जमुई बिहार 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जमुई में पत्रकारों ने जिला जनसंपर्क कार्यालय के सभाकक्ष में कोरोना महामारी पर परिचर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार दीपक और मंच संचालन का दायित्व वरिष्ठ पत्रकार निरंजन कुमार सिंह ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कोरोना महामारी के समय पत्रकारों द्वारा जान जोखिम में डालकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही पत्रकारों ने भविष्य में भी अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का भरोसा दिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार रुपेश सिंह ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी से जमुई में यथाशीघ्र प्रेस क्लब बनवाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार दीपक से व्यक्तिगत रूप से पहल करने की गुजारिश की। श्री सिंह की मांग पर श्री दीपक ने जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर यथाशीघ्र अमल करने का भरोसा दिया। इस कार्यक्रम में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राघवेंद्र कुमार दीपक के साथ वरिष्ठ पत्रकार रुपेश कुमार सिंह, निरंजन सिंह, विनीत कुमार, अरविंद कुमार, अशोक कुमार सिन्हा, विकास पांडे, पंकज मिश्रा, सूरज कुमार, प्रशांत किशोर, उपेंद्र तिवारी, नीतीश केसरी, गोपाल कुमार पांडे, सुशील कुमार सहित बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। रिपोर्ट सुशील कुमार, जमुई। लोग भूल चुके थे, चाहते थे कि किसी तरह से भी अपने लोकप्रिय जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जमुई जिला इससे अछूत रहे, महफूज रहे और यहाँ पे इस महामारी का कोई खास प्रकोप ना हो। हम जिला पदाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व का सम्मान करना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में सचमुच में जिस गति से उन्होंने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कदम उठाया, उनका गति बिल्कुल सार्थक साबित हुआ और कोरोना वायरस से जम्मू जिला को बड़ी राहत। स्वागत है, शुभकामनाएं है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की और यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने समाज को विकास के रास्ते पर समाज को जागरूक करने के लिए जो आप लोग के द्वारा भूमिका निभाई जा रही और जाती रहेगी, इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसके बहुत आभारी हैं ये समाज, ये प्रशासन, ये हमारा घर परिवार, सभी प्रेस के बहुत आभारी होंगे, रहते हैं रहते आए। प्रेस का मुख्य बिंदु जो है, प्रेस की जो काम है, इसमें है कि सरकार को, समाज को एक सही आईना दिखाना, ऐसा आईना जिससे कि वो अपने रास्ते से भटके नहीं बल्कि प्रेस उसका पथ प्रदर्शक बने और इस तरह से उनके सामने पेश आए कि दिनों दिन जिस प्रकार समय बीतता है और विकास का चक्र घूमता है तो मीडिया का वो काम है, हम देखते आए हैं कि एक विकास के चक्र के अनुसार मीडिया भी उसी पथ पर अग्रसर होती है और वो आगे आगे चलती है, समाज उसके पीछे पीछे चलता है। अगर हम मीडिया के माध्यम से सही चीज को हम बताते हैं तो आप भी देखे होंगे, आप भी मीडिया के लोग हैं, हम प्रशासन के लोग हैं, हम लोगों ने सभी ने देखा है कि मीडिया जो दिखाती है उस पर हम 100% बिलीव ना करें लेकिन कम से कम 80-90% बिलीव करते हैं और उसका अनुपालन भी करते हैं। तो आप लोगों की जो भूमिका है वो निसंदेह बहुत ही उल्लेखनीय है, अविस्मरणीय है और कोविड के टाइम में, चूंकि मैं उस समय किशनगंज जिले में था और वहाँ पे डीएम सर के ओएसडी के रूप में कार्य करता था, तो कोविड से पीड़ित व्यक्तियों, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, एडमिट हो, वहाँ पे मैं जाता था तो हमारे साथ मीडिया के लोग भी जाते थे कि सर हेड गियर होता था और ना वो आपका पीपी किट होता था, एंट्री करने से पहले हम लोग उनको दिलवाते थे कि नहीं आप भी पहनिए हेड गियर, आप भी पहनिए ग्लव्स, पहनिए पीपी किट, पहनिए, फिर उनको लेके जाते थे। जो रूपरेखा है, ये रूपरेखा निसंदेह बहुत ही अच्छा दिशा दे रहा है, अच्छे दृष्टिकोण है आपके, इसलिए मैं पुनः राष्ट्रीय प्रेस